हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। अगर आप दोस्तों इलेक्ट्रिक गैस वगैरह इंडक्शन कुकटॉप वगैरह खरीदने की सोच रहे हैं, अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है कैसा चलेगा कैसा नहीं चलेगा, तो फुल वीडियो वॉच कीजिए। आपकी सारी प्रॉब्लम आज यहीं पर सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास रिव्यू करने के लिए प्रेस्टीज की ब्रांडिंग के साथ आने वाला इलेक्ट्रिक इंडक्शन कुकटॉप, तो इसी के मुझे डिटेल वगैरह बताऊँगा। कैसे 2.5-3 साल के आसपास हो गए यूज़ करते हुए, तो ये भी बताऊँगा कैसे चल रहा है, आपको परचेज वगैरह करना चाहिए नहीं, हाँ ये कर लो पहले। और फायदे का सौदा है या नहीं, तो A to Z डिटेल्स वगैरह बताऊंगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किया तो लाइक वगैरह कर दीजिए। अनबॉक्सिंग वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बगल में बेल आइकन को उसे भी इनेबल कर दीजिए, ताकि ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग जरूरत की वीडियो लाते रहता हूँ उसे अपने फ़ोन पर सबसे पहले देख पाए। भाई ने बोला करने का तो करने का। अब बात करो दोस्तों इसकी, तो दोस्तों मैंने इसके लिए आज से 2.5-3 साल पहले अमेजोन से परचेज किया था। 1700-1800 के आसपास में परचेज वगैरह किया था। अभी भी प्राइस उतना ही 100-200 रुपये आगे पीछे हुआ होगा, उतना ही प्राइस वगैरह है। 1 ईयर की वारंटी वगैरह मिल जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपको 1900 वाट का आउटपुट वगैरह मिल जाता है, काफ़ी फैन वगैरह मिल जाता है नीचे देखने के लिए, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। काफ़ी नया परचेज किया था, जब बेस्ट था उस टाइम पर परचेज वगैरह किया था, तो मेरे को सबसे बेस्ट लगा था, तो काफ़ी अच्छा है, तो परचेज वगैरह कर लिया था। तो अब मैं आया था घर पे, तो घर पे बेसिकली मैं आया तो देख रहा, मम्मी से मैंने पूछा, मम्मी बोली सही चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा गंदा हो गया तो मैंने साफ वगैरह किया है, तो अच्छे से चल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर फुल रिव्यू डिटेल वीडियो बनाना चाहे, क्योंकि 2.5-3 साल बाद अगर आप कोई इंडक्शन कुकटॉप परचेज करते हैं तो अच्छे से यूज़ करेंगे तो कैसा चलता है, 2.5-3 साल बाद ख़राब वगैरह होता है नहीं, तो A to Z बताऊँगा, कुछ दिक्कत वगैरह भी है तो A to Z सब कुछ शेयर वगैरह करूँगा। तो चलिए फिर दोस्तों आगे अब बात करूँ इसकी। सबसे पहले प्राइसिंग तो बताई दी आप, 1700-1800 रुपये के आसपास है। अब इसकी A to Z डिटेल्स तो जानते हैं, यहाँ पे आपको इसके लिए नॉन स्टिक कोई भी बर्तन रखना होगा, जैसे सरफेस प्लेन है तो ये रखना होगा। अगर सरफेस प्लेन होगा तो बिल्कुल वर्क करेगा, नहीं तो आपको नॉन स्टिक आता बर्तन वगैरह वो यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा, नहीं तो आपको सिंपल सा कोई प्लेन बर्तन इस पर रखेंगे, एलुमिनियम वगैरह तो नहीं करता, लेकिन और भी कोई बर्तन वगैरह रखेंगे तो वो भी वर्क करेगा। एलुमिनियम का मैं ट्राई नहीं किया, पता नहीं, ट्राई करके देखूंगा, अभी देखूंगा थोड़ी देर में बताऊँगा आपको, तो काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा। यहाँ पर आपको देखते पावर सेव टेक्नोलॉजी की ब्रांडिंग की गई है, प्रेस्टीज की ब्रांडिंग की गई, तो A to Z यहाँ कंट्रोल पैनल दिया गया, यहाँ पे आपको माइनस प्लस बटन है, A to Z यहाँ पे आपको सेट करने का दिया गया, जो भी ऑन करके सारा चीज़ बताऊँगा। बैक साइड की बात करो तो बैक साइड पे आपको फ़ैन दिया गया जो काफ़ी अच्छे से वर्किंग करता है, यहाँ पे आपको पैडिंग वगैरह दिया गया, लेकिन ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता था, थोड़ा आप धूल मिट्टी से बाहर का जो डस्ट होता है उससे बचा कर रखेंगे तो काफ़ी अच्छे से जुड़ा कर पाएंगे। बस यहाँ से थोड़ा सा ये निकल गया, ये भी थोड़ा हमारी वजह से निकला होगा, वैसे मुझे लगता नहीं है, यहाँ थोड़ा देख सकते हैं बाहर निकल रहा है, तो ये थोड़ा बहुत पुराना होने के बाद तो थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन वर्किंग वगैरह की बात करूँ तो वर्किंग में मेरे कोई दिक्कत वगैरह नहीं आती। यहाँ पर आपको मॉडल नंबर वगैरह दिया गया प्रेस्टीज का, तो देख सकते हैं काफ़ी पुराना है, दो इसमें आपको मैक्सिमम 1900 वोल्ट की सपोर्ट मिल जाता है, आपको 120 वोल्ट से लेकर 1900 वोल्ट तक की सपोर्ट मिलेगा, तो काफ़ी अच्छे यूज करके पाएंगे, प्ले पॉज का बट ऑप्शन वगैरह मिल जाएगा, तो A to Z कोई दिक्कत वगैरह नहीं आने वाली। अब मैं थोड़ा इसको पावर से कनेक्ट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ वर्किंग वगैरह कैसा है, उसके बाद बात करते हैं क्या इसको परचेज वगैरह करना चाहिए कि नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो दोस्तों, देख सकते हैं मैं इसके लिए इसको पावर से कनेक्ट वगैरह कर चुका हूँ, थोड़ी इसकी फैन की आवाज़ ज़्यादा है तो थोड़ी मेरी आवाज़ उतनी ना आ पाएगी, तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देख सकते सबसे पहले ऐसे ऑन करना होगा, आपको जो भी चीज़ गर्म वगैरह करना सबका ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे हॉट मिल्क का करना सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद यहाँ से आपको इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ से टाइमर वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, इधर ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे जाएंगे आप, जैसे आपको प्रेशर कुकर यूज़ करना है इसमें आप बढ़ा घटा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जितना कम करना चाहो उसमें कम कर सकते हैं, और भी जैसे ये सब हॉट मिल्क वगैरह का है तो ये सब करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली सेट वगैरह कर लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से टाइमर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये यूज वगैरह कर पाएंगे, यहाँ से बेसिकली प्ले पॉज कर पाएंगे, जैसे देख सकते हैं इस टाइम मैंने इसको पॉज कर दिया, लाइट वगैरह आ रहा है, और फ़ैन इसलिए चलता रहा था, आपको एक चीज़ बता दूँ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, अभी देख सकते हैं फ़ैन बैक साइड में चल रहा है, थोड़ी देर बाद अपने आप ऑफ हो जाएगा, तो देख पाएंगे ऑफ बेसिकली इसको अगर मैं यहाँ से पॉज कर दूँगा तो थोड़ी देर बाद ऑफ अपने आप ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों फ़ैन इसलिए चलता है क्योंकि जैसे इसमें हीट कोयल होता है तो काफ़ी हीट होता है, वो थोड़ा बंद कर देता हूँ मैं, तो आवाज़ थोड़ी बहुत अच्छी से अच्छे से मैं दे पाऊँ आपको, अभी भी देख सकते हैं फ़ैन वगैरह चल रहा है, तो इसको थोड़ा पावर से निकालता हूँ मैं, तो मैं निकाल चुका हूँ दोस्तों पावर से, लेकिन आप जैसे यूज वगैरह करते हैं तो कभी भी यूज़ करने के बाद डायरेक्टली पावर कट मत कीजिए, आप थोड़ी देर ऑफ करके फ़ैन को चलने दीजिए, क्योंकि इसमें हीट ऑफ जॉब होता है, वायर वगैरह जितने गर्म होते हैं उसमें जो हवा गर्म हॉट हवा होता है वो सब बाहर निकालता है, उससे होता कुछ नहीं, अगर आप बंद कर देते हो तो इसमें आपको वायर वगैरह होता है जल्दी ख़राब होता है, कॉइल वगैरह जल्दी ख़राब वगैरह हो जाता है, तो वो थोड़ा और लॉन्ग टाइम तक चल पाएगा, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे आप हवा निकलने देंगे, 1 या 1.5 मिनट चलता है उसके बाद अपने आप ऑफ हो जाएगा, तो उससे जो वर्किंग टाइम है लाइफ टाइम जो वर्किंग है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा,
और अच्छे से यूज कर पाएंगे तो कोई दिक्कत वगैरह नहीं मिली। अब समझाना जी। अब मैं बात करूँ दोस्तों यूज करने का, तो जैसे बता 3 साल 2.5 3 साल हो गए यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रहा, सारे चीज़ें टू जेड वर्किंग अच्छे से करता है, आप काफ़ी हीटिंग वगैरह भी अच्छे से देता है, कोई दिक्कत नहीं आती, काफ़ी अच्छे से यूज कर पाएंगे। अगर आप परचेज करने की सोच रहे हैं रेनोवेटेड प्रोडक्ट पे अमेजोन पे मिल जाता है जिसमें 200-300 सस्ते मिल जाएंगे तो भी परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता, उसमें 6 महीने की वारंटी मिल जाती है। जैसे मैंने बताया इसमें 1 ईयर की मिली थी लेकिन 2.5 3 साल हो गया, अभी भी काफ़ी अच्छे से चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आता। आप अगर परचेज करने की सोच रहे हैं गाँव वगैरह में रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं देहात वगैरह में, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, टाउन में भी कहीं भी परचेज करके यूज़ कर सकते हैं, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, परचेज वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं, प्रेस्टीज का नहीं, अगर कोई भी इंडक्शन कुकटॉप परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वर्किंग में कोई दिक्कत नहीं आती, अच्छे से यूज कर पाएंगे, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक अगर आप सेफली यूज करते हैं, अच्छे से जोड़ा करते हैं, जो ए टू जेड जिसमें आपको कंडीशन दिया गया, यहाँ पे आपको नोटिस यहाँ पे दिया गया, इसको भी ध्यान से रखिए, जो जो हैवी चीज़ें नहीं रखना, मतलब क्योंकि फाइबर होता है तो टूट सकता है, तो ए टू जेड ग्लास फाइबर होता है टूटने का डर रहता है, तो ए टू जेड ध्यान रख के यूज कर पाएंगे। अब कौन पकड़ के लेके आया इसे, डैमेज अगर नहीं करते अपने तरफ से, तोड़ने फोड़ने की कोशिश नहीं करते तो काफ़ी अच्छे से जोड़ा कर पाएंगे, काफ़ी लॉन्ग टाइम चलेगा, इसमें काफ़ी अंदर धूल जमा हो गया था, तो आप हो सकता है तो आप जाके किसी बिजली वाली दुकान पर 2-2.5 साल बाद अंदर से सारे जो धूल वगैरह डस्ट वगैरह होता है उसको थोड़ा साफ़ करवा लें, ताकि जो हवा होता अच्छे से बाहर निकल पाए, फ़ैन अच्छे से काम कर पाए, क्योंकि डस्ट वगैरह चला जाता तो फ़ैन अपने आप अच्छे से वर्किंग वगैरह नहीं कर पाता, तो एक प्रॉब्लम रहती है, तो आप जाके करवा लें। वैसे आप परचेज करना चाहेंगे तो अमेजोन पर लिस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से परचेज कर पाएंगे, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने यूज वगैरह किया, मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ घर में, मेरी मम्मी यूज़ कर रही है तो आपको जैसे बता ही सकता हूँ काफ़ी अच्छा है, अगर कोई प्रॉब्लम होती तो बताता, लेकिन मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं लगी यूज़ करने में, वही एक प्रॉब्लम लगी क्योंकि इसको इसमें काफ़ी धूल चली जाती है तो आपको साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है कि आपको हवा वगैरह जो होता है बाहर नहीं निकलता, अंदर हीटअप वगैरह हो जाता है, तो वो चीज़ बाहर जाके आप किसी इलेक्ट्रिशियन की दुकान पर 4 पेज होती है बैक साइड में, यहाँ पे उसको खोल के हीटअप साफ वगैरह करा सकते हैं, तो लॉन्ग टाइम तक यूज कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, परचेज वगैरह कर सकते हैं। चलिए फिर दोस्तों आज के लिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मजा नहीं आ रहा है।